नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लॉकडाउन के बावजूद सब्जी मंडियों का बुरा हाल है। अगर बात करें कोरोना वायरस की तो संक्रमण सोशल डिस्टेंसिंग से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और इसी को देखते हुए 21 दिन का लॉकडाउन भी चल रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार सरकार और डॉक्टरों के निर्देशों को तोड़ा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सभी जगह मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप तस्वीरें सामने देख सकते हैं। सब्जी खरीदने वाले और सब्जी को बेचने वाले ये लोग मंडियों में इकट्ठे हो रहे हैं। इस दौरान यहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं होते और ना ही पुलिस की कोई आवाजाही। थोक सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग तार तार होता दिख रहा है। लॉकडाउन के बावजूद भी यहाँ पर सब्जी खरीदने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सोमवार को सुबह सब्जी मंडी खुलने के बावजूद लोगों की तादाद काफ़ी थी और सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। इस दौरान मंडी में अंदर पहुंचने पर लोग एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाने के नियम की धज्जियां उड़ाते दिखे। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1000 से ऊपर चला गया है। ये आंकड़े पंजाब में 38 मामले सामने आ चुके हैं और देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच कई खबरें चौंकाने वाली हैं। हालांकि अब तक 100 मरीज इस जानलेवा बीमारी से पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अगर सरकारी आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो देश में अब तक इस बीमारी से 1071 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार मरीजों की कुल संख्या 49 विदेशी शामिल हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह खतरनाक वायरस संक्रमण के रूप में हर जगह फैल सकता है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को ये नहीं पता होता। इन लोगों तक न सरकारी किसी तंत्र की वजह से सही जानकारियां पहुंच पाती है। मोबाइल पर खबरें देखने का इनके पास समय नहीं होता। घर पर बैठकर के ये टीवी भी नहीं देखते। शायद यही कारण है कि ये इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये खतरनाक वायरस अगर इनके माध्यम से फैल गया तो स्वाभाविक है कि भारत जैसे देश में ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।